सुना है ये हमीरपुर की सबसे सुंदर जगह है। तो आपको मैं यहाँ की प्यारी सी स्टोरी बताता हूँ। थोड़ा सा आगे जैसे अभी मैं लिंक रोड से आया हूँ, यहाँ की अभिकेश्वर महादेव जाने के दो रास्ते हैं। ये तो आपको यहाँ पे बहुत सारी वाटिका देखने को मिलेगी। मूर्तियाँ है ना, ये मूर्तिकार विजेंद्र जांगड़ा हरियाणा वाले हैं, उन्होंने बनाई है। और आपको ये गुफा बताते हैं। तो पौड़ी से चढ़कर हम पहुँच चुके हैं बिल्केश्वर महादेव, और यहाँ पे ये रहा बिल्केश्वर महादेव जी का मंदिर के पास पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे मोड़ पे मैंने यहाँ पे अपने व्हीकल को पार्क किया। तो यहाँ आपका बिल्केश्वर महादेव चमनेड़ नाम की एक जगह है, वहाँ पे पड़ता है ये वाला आपका मंदिर। सुना है ये हमीरपुर की सबसे सुंदर जगह है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ बिल्केश्वर महादेव, जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में पड़ता है। तो वहाँ पे हमारे भगवान भोले का एक मंदिर है, तो उसी को आज मैं एक्सप्लोर करने के लिए जा रहा हूँ। तो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ बिल्केश्वर महादेव। तो अभी मैं अपने रूम के थोड़ा सा आगे यहाँ से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इस वक्त टाइम अभी 12 बज रहे हैं पूरे। तो दोस्तों, इस ब्यूटीफुल से ब्लॉग को करते हैं यहाँ से स्टार्ट। लेट्स गो। तो अभी मैं मटन सिद्ध और गुसोत्ता महादेव, जो कि आपका NH रोड है ना, वो आपका थोड़ा सा आगे जैसे अभी मैं लिंक रोड से आया हूँ। आपकी बिल्केश्वर महादेव जाने के दो रास्ते हैं, ये तो या तो आप दो सड़का से होते होते सीधा गुसोत्ता महादेव वाले NH रोड से जा सकते हैं, या फिर एक आपका मटन सिद्ध वाली साइड से लिंक रोड जाता है, बट वो थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको पूछ के आना पड़ेगा वहाँ तक। तो फिलहाल मैं इस वाली लोकेशन पे हूँ, अभी आगे से हम NH रोड करेंगे ज्वाइन, फिर आपको मैं सीधे लेके जाता हूँ बिल्केश्वर महादेव। तो ये रहा आपका गसोत्ता महादेव जी का मंदिर, यहाँ से आपका एंट्री गेट है। तो जय गसोत्ता महादेव। तो आज फिलहाल हम जा रहे हैं बिल्केश्वर महादेव के लिए। यहाँ से ये वाला रोड आपका एक कुंड है, यहाँ पे वहाँ को जाता है, और हमने जाना है इस वाले रोड पे। ये रास्ता आपके शनिदेव मंदिर है आपका हमीरपुर में, उससे होते होते आपको पहुँचाएगा ये बिल्केश्वर महादेव। और नीचे का व्यू देख सकते हो, आपको ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, नीले नीले आसमान। और आगे आने वाला है हमारा शनिदेव जी का मंदिर। पे आप देख सकते हो ये रहा शनिदेव जी का टेम्पल, और ये आपके लम्बरू वाले रोड पे है ये। और फिलहाल नीचे गांव देख सकते हो आप, ये आई थिंक लम्बरू है पूरा, आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे शनिदेव जी का टेंपल है। तो आज हम जाने वाले हैं बिल्केश्वर महादेव, जो कि इस वाले बोर्ड को आप देख सकते हो, चमनेड़ नाम की जगह पे है ये। और ये यहाँ से हम इस वाले रोड पर जाएंगे, ये वाला रोड आपका जाहू को चला जाएगा, तो हमने जाना है इस वाले रोड पर। तो अभी यहाँ पर थोड़ी देर मत्था वगैरह टेक लेते हैं। तो अभी हम लम्बरू के पास पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे मोड़ पे मैंने यहाँ पे अपने व्हीकल को पार्क किया। आपका बिल्केश्वर महादेव चमनेड़ नाम की एक जगह है, वहाँ पे पड़ता है ये वाला आपका मंदिर। तो यहाँ से हम जाएंगे, अभी आपको बोर्ड भी दिख रहा होगा, बता देता हूँ, ये वाला रोड है ना, ये आपको लेके जाएगा जाहू को, और ताल भटियाणा चमनेड़ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ, और यहाँ पर शनिदेव जी के मंदिर के थोड़े दर्शन कर लेते हैं। और ये यहाँ पे आपके शनिदेव जी का मंदिर, और यहाँ पे पंचमुखी, ये है पंचमुखी हनुमान जी की आपको स्टैचू देखने को मिलेगी यहाँ पे। तो दोस्तों, जहाँ पे अभी मैं जा रहा हूँ ना, तो सुनने में ऐसा आया है कि जो कि आपका बिल्केश्वर महादेव है, वो हमीरपुर की सबसे सुंदर जगह है। तो लेट्स सी, आज देखते हैं जाके। तो चलिए इस ब्यूटीफुल सी जर्नी को फिर से यहाँ से करते हैं स्टार्ट। लेट्स गो। यहाँ पे लगा हुआ है आपके बिल्केश्वर महादेव जी का बोर्ड, 100 मीटर की दूरी बता रहा है। यहाँ से ये वाला सिंगल रोड आपको लेके जाएगा, और ये वाला रोड आई थिंक किसी गांव को जाता होगा नीचे। तो लेके प्रभु का नाम हर हर महादेव, आगे चलते हैं और सीधे मंदिर में मिलते हैं। दोस्तों, बिल्केश्वर महादेव में मैं पहुँच चुका हूँ, और यहाँ पर आपको बोर्ड दिख रहा होगा बिल्केश्वर महादेव जी को रास्ता। यहाँ पर हम अपने जूते वगैरह उतारेंगे, जो शूज़ वगैरह हैं यहाँ पर उतारेंगे, और शौचालय भी यहाँ पर बनाया हुआ है, साथ में ही नीचे बनाया हुआ है। और अभी हम चलते हैं और मंदिर को विजिट वगैरह करते हैं। दोस्तों, ये है आपका मंदिर बिल्केश्वर महादेव, देखने को मिलेगी तस्वीरें।
बहुत सुंदर आकृतियाँ बनाई गई हैं। और यहाँ पे आपको नंदी बाबा जी और नंदा बाबा जी के बिल्कुल सामने सुंदर आकृतियाँ बनी है यहाँ पे माता दुर्गा की, विष्णु भगवान की, राम लक्ष्मण की। तो दोस्तों बिल्केश्वर महादेव जी के हमने दर्शन कर लिए हैं। तो आपको मैं यहाँ की एक प्यारी सी स्टोरी बताता हूँ कि बहुत साल पुरानी बात है, यहाँ पे बिल के पेड़ों का एक जंगल होता था या इस वाली जगह पे, मतलब बिल के पेड़ ही होते थे। और एक बार एक किसान अपने भेड़ बकरियों को आया, भेड़ बकरियों को लेकर आया और उसने अपने भेड़ बकरियों के लिए यहाँ पर उसने टहनियाँ काटनी है। तब उस टहनियों से सफ़ेद रंग के सांप लटक गए और उसी समय उस किसान की आंखों की रोशनी चली गई। तो उसी रात उस किसान को सपना है कि वृक्ष की टहनियाँ काटी हैं, उनमें शिवलिंग है और उसको इस शिवलिंग की स्थापना करेगा तो उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। तो गांव के किसानों ने मिलकर यहाँ पे इस शिवलिंग की स्थापना की और तभी इसकी उस किसान की आंखों की रोशनी भी आ गई, तभी से इस जगह का नाम बिल्केश्वर महादेव के नाम पे पड़ा है। तो यहाँ से ये वाली गुफा आपको लेके जाएगी मंदिर में, ऊपर है हमने शिव जी की मूर्ति। पौड़ी पौड़ी चढ़ते जाए, ओम नमः शिवाय जपते जाए, शाम बशदा शिव, 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 शाम बशदा शिव। यह गाइज आपकी नीम वाटिका, यहाँ पे आपकी नीम है, नीचे आपकी फूल वाटिका थी, आपको बताएंगे आगे चल के। तो पौड़ियों से चढ़कर हम पहुँच चुके हैं बिल्केश्वर महादेव और यहाँ पे ये रहा बिल्केश्वर महादेव जी का मंदिर। और यहाँ पे देखने को मिले ये जो नई नई यहाँ पे गुफा बनी है, ऐसा लग रहा है इसका निर्माण अभी अभी करवाया गया है। और यहाँ पे ये गुफा है, यहाँ पे हमारे शिव जी जी यहाँ पे विराजमान है और यहाँ पे बहुत ही बड़ी मूर्ति हमारे भोले जी की, देखो कितनी प्यारी है। और ये वाली आकृति तो बड़ी प्यारी लग रही है यार। तो चलिए जल्दी से अब अंदर चलते हैं गुफा के, एक बार चक्कर लगा लेते हैं फिर आगे बात करता हूँ आपसे। अब आपको ये गुफा बताते हैं, वैसे चक्कर मैंने एक कार्ड लिया है, फिर बताते हैं। शाम सदा शिव, 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 जय बाबा। शाम सदा शिव, शाम सदा शिव, शाम सदा शिव, शाम सदा शिव। तो यहाँ पे हमारी गुफा होती है समाप्त और यहाँ से हम गुफा का चक्कर काट के वापस यहाँ पे आ चुके हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको जो कितनी प्यारी मतलब बनाई है, ये गर्ग कुटिया है, यहाँ पे हमारे ऋषि मुनि जी का मतलब बहुत अच्छी स्टैचू बनाई गई है। और यहाँ पे है गज वाटिका, कितनी प्यारी प्यारी वाटिकाएँ बनाई गई है यहाँ पे और फूल सजाए कितने अच्छे लग रहे हैं ये। तो ये जो मूर्तियाँ हैं ना, ये मूर्तिकार विजेंद्र जांगड़ा हरियाणा वाले हैं, उन्होंने बनाई है और कितनी सुंदर बनाई है। उसमें यहाँ पे आए आप, बर्थ विजिट लोकेशन है ये हमीरपुर में और सामने आकृतियाँ आपको दिख रही होंगी गाइज, ये रही रुद्राक्ष वाटिका। यहाँ पे चलते हैं हम, ये आपकी सीता वाटिका है यहाँ पे और फूलों के साथ कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है ये। कैलाश वाटिका और यहाँ पे कैलाशपति जी की, यहाँ पे इतनी बड़ी स्टैचू है यार, मेरे पास ड्रोन होता ना ड्रोन में बहुत अच्छा विजिबल होना था, बट फिर भी आप यहाँ पे अपने आप आएँ और देखो कितनी ज़्यादा बड़ी लग रही है यार ये मूर्ति। इसका नाम है कैलाश वाटिका, यहाँ पे ये आपकी कैलाश वाटिका है। और नीचे जो आपको हनुमान जी की स्टैचू दिख रही है इसको बोलते हैं हनुमान वाटिका। तो दोस्तों हनुमान जी की यहाँ पे स्टैचू तो दिख रही है, बट यहाँ पे आई थिंक ये आपका हमीरपुर है, हमीरपुर का व्यू है। आज इस वाले व्यू को हम नहीं देख सकते क्योंकि उससे सुंदर व्यू यहाँ पे देखने को मिला बिल्केश्वर महादेव में आके। और यहाँ पे देख सकते हो आप गाइस, नाइस। तो आपको यहाँ पे बहुत सारी वाटिका देखने को मिलेगी। वाटिका के साथ यहाँ पे सबसे पहले आपकी आती है क्या
कैलाश वाटिका। कैलाश वाटिका में हमारे शिव जी की बहुत बड़ी स्टैचू यहाँ पे, और यहाँ पे शिवलिंग भी है, और ये रही कैलाश वाटिका। फिर इसके बाद आती है आपकी ब्रह्म कमल वाटिका। यहाँ पे अभी कमल के जो फूल हैं आपके ये लगाए हुए हैं, कमल अभी लगेंगे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा ये आपका कमल ब्रह्म कमल। फिर आगे आते हैं आपके यहाँ पे आनंद वाटिका। आनंद वाटिका में भी बहुत अच्छी फूल लगाए हुए हैं, ये पता नहीं कौन से फूल हैं बट यहाँ की वाइब है ना वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। फिर आते हैं आपके हनुमान वाटिका को स्टैचू देखने को मिलेगी, और कितनी ज़्यादा बढ़िया लोकेशन पे। यहाँ पे आपके बिल्केश्वर महादेव जी का टेम्पल ही बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा है यहाँ से। दोस्तों दर्शन वगैरह आज करके आज कहूँ मैं नीचे, यहाँ पे बिल्केश्वर महादेव बहुत ही प्यारा मंदिर है और वर्थ विजिट लोकेशन है। आपको हर प्रकार की यहाँ पे मूर्ति देखने को मिलेगी, और जो भी हरियाणा के जो भी मूर्तिकार हैं ना उन्होंने मतलब इसको बहुत अच्छी काश्तकारी के साथ बनाया हुआ है। बहुत ही सुंदर जगह पे है, बिल्कुल शांत सुशील जगह है, और यहाँ की स्टोरी मैंने आपको बता दी है। साथ में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एक मंदिर स्कूल भी है, और स्कूल के साथ में ये प्यारा सा मंदिर है। अशोक वाटिका बनाई गई है पूरी यहाँ पे। तो दोस्तों आप बताएं आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी, और कमेंट ज़रूर करें, और ऐसा करता हूँ इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।